of ohms, its limitation. Of ohms. So when it comes to limitation of ohms law, we know that the conductors which obey ohms law, they are referred as ohmic conductor, and the conductor which do not obey ohms law, they are called as non-ohmic conductor, right? Yes sir. Conductor jo ohms law ko, you know, ohms law ko obey karta hai to ohmic conductor hai. एंड कंडक्टर जो ओम्स लॉ को ओबे नहीं करता है वो तो नॉन ओमिक कंडक्टर होता है, राइट? तो इसका मतलब ओमिक कंडक्टर के लिए जो रेसिस्टेंस है वो कांस्टेंट रहता है, एंड नॉन ओमिक कंडक्टर के लिए ऑब्वियसली रेसिस्टेंस हर एक वोल्टेज पे अलग अलग होता है, राइट? यस सर। यस। सो फॉर ओमिक कंडक्टर resistance is constant and for non-ohmic conductor resistance changes or varies with voltage, varies with the potential difference, right? ये तो हमको पता है, but जब हम लोग ओमिक कंडक्टर का बात करें, it is observed that वो भी एक पर्टिकुलर यू नो सिचुएशन में ओम्स लॉ को ओबे नहीं करता, राइट? तो पहले वो डिस्कस करेंगे, ठीक है? ध्यान देना. So non ओमिक के लिए ऑब्वियसली ग्राफ तो इरेगुलर ही आएगा, राइट? एंड ओमिक के लिए वी एक्सपेक्ट द ग्राफ शुड बी लीनियर, वी एक्सपेक्ट द ग्राफ शुड बी लाइक दिस, राइट? यस सर। मतलब ये हमारा आइडियल ग्राफ, तो हमको लगता है कि ग्राफ ऐसा होना चाहिए. नाउ इट इज ऑब्जर्व दैट सपोज वोल्टेज लो है, दिस इज लो वोल्टेज, एंड इसका बाद हाई वोल्टेज है. सो अप टू लो वोल्टेज, मतलब जब वोल्टेज इधर इंक्रीज हो रहा है तो करंट भी इंक्रीज होता है, राइट? सो आई मीन करंट अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम्स लॉ करंट इंक्रीजेस विद द पोटेंशियल डिफरेंस. बराबर है बच्चा? क्योंकि सिंपल अंडरस्टैंडिंग है, v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू i, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v. बराबर है? यस सर। अभी बच्चे जब करंट इंक्रीज होता है तो क्या होगा मालूम है? करंट इंक्रीज हो रहा है मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ये फास्ट मूव होता है, राइट? क्योंकि वोल्टेज बढ़ा है तो इलेक्ट्रॉन को ज्यादा एनर्जी मिलेगा, तो इलेक्ट्रॉन को ज्यादा एनर्जी मिलेगा तो वो ज्यादा स्पीड से जाएगा. सो इन शॉर्ट जितना भी इलेक्ट्रॉन्स है वो कंडक्टर में, वो फास्ट जा रहा है, राइट? Yes. जब वो फास्ट जाएगा तो अल्टीमेटली एटम जो है उसका अंदर, यू नो, मटेरियल का अंदर वो वाइब्रेट होता रहेगा, सो देयर विल बी कोलिजन. तो क्या होगा, ये कोलिजन का वजह से इलेक्ट्रॉन का जो भी एनर्जी है वो एटम को मिलेगा, एंड दैट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी. मतलब जब करंट बढ़ता है तो हीट भी बढ़ता है. बराबर है? Yes, sir. Right. So when current increases, then temperature of conductor also increases. Temperature of conductor also increases. Also increases, which in turn increases the resistance. मैं समझाता हूं आपको क्या हो रहा है इधर. इतना तो समझ में आया, टेम्परेचर बढ़ रहा है, राइट? टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा बच्चा? एटम और स्पीड से वाइब्रेट करेगा. जब और स्पीड से वाइब्रेट करेगा तो इलेक्ट्रॉन के साथ जालक, यू नो, ज्यादा कोलिजन होगा,
एंड ज्यादा कोलिजन हुआ तो रेसिस्टेंस क्या होगा बच्चा, बढ़ेगा, अल्टीमेटली बढ़ेगा, राइट, बिकॉज आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी. आई होप यू गेटिंग. यस सर. मतलब अभी रेसिस्टेंस देखो ओमिक के लिए तो कॉन्स्टेंट था, राइट, अभी तो रेसिस्टेंस वेरी हो रहा है टेम्परेचर का साथ, क्योंकि इसके लिए तो यू नो नॉन ओमिक के लिए तो सवाल ही नहीं, वेरी होता है तो टेंशन ही नहीं, राइट. इसका मतलब ओमिक के लिए भी टेम्परेचर ज्यादा चेंज हुआ तो रेसिस्टेंस चेंज होता है, देन रेसिस्टेंस बढ़ गया, देन यू नो दैट करंट विल डिक्रीज, राइट. इफ रेसिस्टेंस इंक्रीजेस जो कॉन्स्टेंट होना चाहिए था, देन करंट हैज टू कॉम्प्रोमाइज, देन करंट विल डिक्रीज, करंट विल डिक्रीज. इज इट ओके बच्चा? मतलब इट इज लाइक देखो वोल्टेज इज इक्वल टू आई इनटू आर है ना, वोल्टेज कांस्टेंट है तो करंट ये जो रेसिस्टेंस है कम हो रहा है बिकॉज ऑफ टेम्परेचर, सॉरी बढ़ रहा है बिकॉज ऑफ टेम्परेचर, तो ये कम बढ़ रहा है तो ये कांस्टेंट है, डोंट यू थिंक करंट कम हो जाएगा बच्चा? यस सर. देखो ओम्स वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट बढ़ना चाहिए, वोल्टेज कम किया तो करंट कम होना चाहिए, इधर तो वोल्टेज कांस्टेंट बट करंट चेंज हो रहा है तो ओम्स लॉ ओबे नहीं हो रहा है, राइट. यस सर. राइट, मतलब नॉन ओमिक तो ओबे नहीं करता है, ओमिक भी व्हेन द टेम्परेचर या वोल्टेज इज वेरी हाई ओबे नहीं करता है, तो ये दोनों केस में द रेसिस्टेंस. चलो इधर ग्राफ बना देते हैं, देखो इधर से इधर ग्राफ ऐसे रहेगा, देन डीविएट होगा, सो दिस इज गोइंग टू बी द प्रैक्टिकल ग्राफ. Is it okay? Yes, sir. So the resistance of non-ohmic or non-linear conductor is given by, क्योंकि resistance vary हो रहा है तो हम लोग ये formula से उसका resistance निकालते हैं. देखो resistance को हम लोग डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आई लिख सकते, राइट बच्चा? यस सर. अभी आपको रेसिस्टेंस एक पर्टिकुलर वोल्टेज पे चाहिए तो ऑब्वियसली इधर लिखना पड़ेगा लिमिट डेल्टा आई टेंड्स टू जीरो, क्योंकि डेल्टा आई कम हुआ तो ऑब्वियसली डेल्टा वी भी कम होगा, सो कम होके विल गेट ए पॉइंट, ये एक्सप्लेन कर देता हूं मैं आपको. सो इसको हम लोग डी वी अपॉन डी आई लिखेंगे. क्या लिखेंगे बच्चा? dv अपॉन di, राइट. सो इधर डेल्टा v जो है obviously it is the potential difference between the two potentials between two potentials that is v minus delta v upon 2. चलो एंड लिखता हूं, दैट इज आल्सो ओके, इट इज v प्लस डेल्टा v बाय 2, राइट. एंड ऑफ कोर्स डेल्टा i क्या होगा बच्चा? इट इज द करेस्पोंडिंग चेंज इन करंट, राइट. बच्चा बराबर है? यस. अभी बच्चा मैं समझा रहा हूं, ध्यान से सुनो. सपोज ए करंट अगेंस्ट v का ग्राफ, तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं आ रहा, कर्व आ रहा, लाइक, राइट. तो अभी आपको सपोज इधर कितना रेसिस्टेंस है वो देखना है, इधर मतलब ये पॉइंट समझ में आ रहा है ना आप? तो आप क्या करेंगे बच्चा, उसका अराउंड और एक दो पॉइंट लेंगे, एक v माइनस डेल्टा v बाय 2 और एक v प्लस डेल्टा v अपॉन 2. इसका मतलब इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो डेल्टा v हो जाएगा, बराबर है? यस सर. एंड इधर का जो करंट है, मतलब इन दोनों का बीच में जो यू नो करंट रहेगा ये वाला, वो डेल्टा आई रहेगा. तो रेसिस्टेंस क्या होगा बच्चा? डेल्टा आई अपॉन आई मीन डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आई होगा, बराबर है? यस यस. सपोज मेरे को ये पॉइंट का ही चाहिए, इधर का ही रेसिस्टेंस चाहिए, तो डेल्टा वी का वैल्यू मेरे को कम करना पड़ेगा, राइट. तो डेल्टा वी लिमिट डेल्टा आई टेंड्स टू जीरो, मतलब डेल्टा वी कम 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 हो के डोंट थिंक इधर आ जाएगा वी का, इधर
बराबर ना, इफ आई से डेल्टा वी इज जीरो, इसका मतलब वी का उधर आ जाएगा ना, क्योंकि कम दोनों तरीके से यू नो दोनों तरफ से कम कम किया तो कम मतलब ए लाइन पे आ जाएगा। आई होप यू गेटिंग। यस यस सर, समझा। सो जब भी रेसिस्टेंस वेरिएबल है तो हम लोग को उस मतलब किसी वोल्टेज पर रेसिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो ये फॉर्मूला से हमको फाइंड आउट करना है। इज इट ओके? इज इट ओके? यस सर। मतलब देखो, फॉर एग्जाम्पल एक बंदा भाग रहा है, कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से भाग रहा है, तो हमको तकलीफ नहीं है क्योंकि वेलोसिटी कॉन्स्टेंट है, तो एवरेज वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी दोनों क्या रहेगा बच्चा? सेम रहेगा। बराबर है? यस यस सर। सपोज बंदा अलग अलग वेलोसिटी में भाग रहा है, तो डोंट थिंक उसका एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी सेम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। बराबर है? यस राइट। जब मैं डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आई काली लिखता हूं, एवरेज रेसिस्टेंस मिलेगा, बट डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आई लिमिट डेल्टा आई टेंड्स टू जीरो लिखता हूं, मतलब वो इंस्टेंटेनियस रेसिस्टेंस रहेगा। समझ में आ रहा है ना? राइट। यस सर। डीवी अपॉन डी मतलब एक पर्टिकुलर वोल्टेज पे उसका रेसिस्टेंस क्या है वो मिलेगा। आई होप इट इज वेरी क्लियर नाउ। यस ओके बच्चा, कंप्लीट करो इसको।
It's done. हो गया सर लिख के. ओके फाइन. व्हाट अबाउट अदर, सबका हो गया? सर टू मिनट. या सर वो जो सेकंड ग्राफ का नीचे का क्या लिखा है वो? अच्छा ये वाला बोल रहे हो? यस सर. अच्छा एक v माइनस डेल्टा v अपॉन 2 है, मिडिल पे v है एंड साइड पे v प्लस डेल्टा v अपॉन 2 है. दोनों का बीच में डिफरेंस डेल्टा भी होगा. ओके सर. इसका और इसका बीच. डन सर. ओके फाइन. रब कर दो बच्चा बोर्ड. यस सर. सर वन मिनट. सर वो सेकंड डायग्राम के नीचे का फिर से रिपीट कीजिए ना. सर आपका आवाज म्यूट है. अच्छा ये वाला डेल्टा v, आई मीन v माइनस डेल्टा v बाई 2 है और ये वाला v प्लस डेल्टा v बाई 2 है. मिडिल पे v है एंड दोनों इन दोनों के बीच में डिफरेंस डेल्टा v है और इधर डेल्टा i है. समझ में आया? आप फिर से बनाओ. बच्चा समझा? यस सर. ओके रब कर दो. यस सर. फाइन. ओके सो नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक एनर्जी या इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड पावर. सो इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड पावर. बच्चा ध्यान दो, जैसा मैंने बोला जब पोटेंशियल डिफरेंस आप अप्लाई करते हो तो अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन मूव होता है. जब इलेक्ट्रॉन मूव होता है तो एटम वाइब्रेट होते रहते हैं. सो अल्टीमेटली एटम का साथ वो कोलाइड हो, राइट? अब ये कोलिजन में इलेक्ट्रॉन एनर्जी दे देगा एटम को एंड दैट इज कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी, राइट? सो ये जो इलेक्ट्रॉन एटम को जो एनर्जी देता है दैट इज गोइंग टू बी द वर्क डन बाय द इलेक्ट्रॉन टू मूव फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव पोटेंशियल. मतलब उसको जाने के वो जब जाने का टाइम वो कोलाइड होकर एनर्जी दे देता है, वही वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक करंट. समझ में आ रहा है बच्चा? यस सर. यस सर. देखो एटम है वाइब्रेट हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन का मोशन करंट ही है. जब इलेक्ट्रॉन इसका साथ कोलाइड करता है तो एटम को एनर्जी देता है, राइट? एटम को एनर्जी मिली है तो हीट एनर्जी में कन्वर्ट होकर बड़ा वाइब्रेशन करता है तो अल्टीमेटली जा पाता है इधर, राइट? तो इसका मतलब
जो इलेक्ट्रॉन काम करता है वही वर्क डन बाय करंट है, राइट? एंड अल्टीमेटली जो भी काम है इट इज कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी, एंड प्रोडक्ट उसका हीट एनर्जी है, राइट? यस सर, यस सर, यस सर। मान लो बच्चे एक रेसिस्टर है विद रेसिस्टेंस आर है, उसका एक पॉइंट हम लोग ने ए कंसिडर किया, दूसरा पॉइंट बी, इसके अक्रॉस एक सेल कनेक्ट किया, राइट? सो सपोज सेल का इंटरनल रेसिस्टेंस कुछ भी नहीं है तो ऑब्वियसली पूरा वोल्टेज इसका ये रेसिस्टर के अक्रॉस आएगा, मतलब जितना वोल्टेज है वो इसके अक्रॉस आएगा, राइट? तो ऑब्वियसली करंट फ्लो होगा, लेट करंट फ्लोइंग थ्रू द रेसिस्टर इज आई। अभी करंट फ्लो तो चार्ज तो मूव होता रहेगा, तो मैंने मान लिया कि चार्ज क्यू मूव हो रहा है सर्किट में, कितना मूव हो रहा है बच्चा, चार्ज क्यू, राइट? सो तो चार्ज मूव हो रहा है, इसके लिए करंट प्रोड्यूस हो रहा है, सो अल्टीमेटली करंट को कौन प्रोड्यूस करता है बच्चा, सेल। सो सेल इज डूइंग ऑल दिस थिंग्स, यस और नो? यस सर। सो कैन आई से वर्क डन, वर्क डन बाय द सेल to move charge q, of course capital q, in charge q for time, मैंने मान लिया कि delta t, ठीक है, is given by, तो obviously जितना work done करेगा उतना cell का potential energy कम होगा, बराबर है बच्चा? Yes sir. So in other words, आप ब्रैकेट पे चाहे तो इट इज गोइंग टू बी द डिक्रीज इन इन पोटेंशियल एनर्जी, वही सभी लिख सकते हो, बराबर है? Yes, sir. ठीक है, फाइन। पहला मैं करंट का फॉर्मूला लिखता हूं, I is equal to Q upon delta T, क्योंकि चार्ज मूव हो रहा है Q, कितना टाइम के लिए डेल्टा T, राइट? Yes, sir. Then वर्क डन का बात करूंगा, सो कितना वर्क डन करेगा, देखो पोटेंशियल वी है, सो पोटेंशियल इज वर्क डन अपॉन चार्ज, देयरफॉर वर्क डन इज पोटेंशियल इनटू चार्ज। बच्चे इधर तक क्लियर है? यस। सो अभी आपको पता है जितना वर्क डन है वही पोटेंशियल एनर्जी होगा या डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी होगा, उसको मैं डेल्टा यू लिख सकता हूं, राइट? सो ये डेल्टा यू विल बी नथिंग बट वर्क डन, therefore delta u will be equal to w is replaced by vq, is it okay? yes sir. Abhi isko dhyan se dekho bachcha, what is q here? Don't you think it is I delta t? yes, v I delta t. Bachcha is it okay up to this much? yes sir. डेल्टा टी को ए साइड में लो बच्चा, सो डेल्टा यू अपॉन डेल्टा टी विल बी इक्वल टू, हमको मिला वी आई, बराबर है वी आई, इज इट ओके? यस सर। अभी बच्चे ये जो है ना एक पर्टिकुलर इंटरवल के लिए है, तो मेरे को यू नो एक माइन्यूट मतलब एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के लिए चाहिए, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा बच्चा, लिमिट लेना पड़ेगा? yes. Yes. Right. So I would write. So taking limit delta t tends to zero. Taking limit as delta t tends to zero. So don't you think either limit delta t, sorry delta, ek minute, limit delta t tends to zero, delta u upon delta t will be equal to vi, बराबर है? Yes sir. अभी बोलो बच्चे इसको क्या लिख सकता हूं मैं, सोच के बताना, du upon dt, अभी ये मैंने आपको सिखाया, राइट? विच इज vi, राइट? यस सर। यस सर। सो बच्चे ये जो टर्म है du upon dt, इसको ही हम लोग पावर बोलते हैं, इट्स बिकॉज डी यू अपॉन डी टी, डोंट यू थिंक इट गिव्स द रेट एट विच एनर्जी इज ट्रांसफर्ड, राइट? द रेट
एट विच एनर्जी इज ट्रांसफर्ड ऑफ कोर्स टू रेसिस्टर और द रेट एट विच वर्क इज डन. द रेट एट विच स्क्रीन ब्लर आ रहा है. अभी ठीक हो गया, देखो बराबर है ना बच्चा, ठीक हो गया ना? यस सर. द रेट एट विच वर्क इज डन मतलब बेसिकली ये पावर है. तो मैं इसको P इज इक्वल टू वी आई लिख सकता हूं, I square R लिख सकता हूं, V square upon RB लिख सकता हूं. This will be the formula for power. Is it okay? Yes. अभी आप बोलेंगे सर वर्क डन का फॉर्मूला क्या लिखेंगे आप? Obviously, power is work done upon time है. तो work done is power into time है. तो work done का फॉर्मूला होगा VIT, I square RT is equal to V square T upon R. Don't you think ये सब आपने 10th में देखा है बच्चा? Yes sir. Yes. खाली हम लोग ने थोड़ा नया तरीके से उसको डिराइव किया है. Is it okay? Yes sir. Any confusion? बच्चा any confusion? No. हाँ तो और एक बात, चलो ये लास्ट में लिखना है बच्चा जो इधर लिखा है मैंने. ये जो भी है बच्चा इसके यूनिट जूल्स है, मतलब ये मैकेनिकल एनर्जी, राइट? सो दिस इज मैकेनिकल एनर्जी एंड इट इज मेजर्ड इन जूल्स. सो मैकेनिकल एनर्जी जूल्स से मेजर होता है, बट आपको पता है ये हीट एनर्जी में कन्वर्ट होता है जो कैलोरी में मेजर होता है, बराबर है? यस सर. तो हीट प्रोड्यूस जो है बच्चा ये डब्ल्यू अपॉन जे होता है. जे को हम लोग जूल्स कॉन्स्टेंट बोलते हैं, राइट? तो आप इसको आई स्क्वायर आर टी अपॉन जे ले सकते हो, राइट? जो जे जूल्स कांस्टेंट है, आपने ये भी 10th में देखा है, जिसका वैल्यू आता है 4.186, याद है? जूल्स पर कैलोरी है. कितना बच्चा? जूल्स पर कैलोरी, बराबर है? यस सर. बच्चा ये लास्ट में लिखना है, लास्ट में, ठीक है? इधर मत लिखना, इसका बाद लिखना. कंप्लीट करो बच्चे. और ये जो जब जे लिखेंगे थोड़ा बोल्ड में लिखना, क्योंकि वो यूनिट जे नहीं है, वो जूल्स कांस्टेंट है. ये अलग है, ये अलग है, राइट? यस सर. ओके.
तो फिनिश्ड सर वो लास्ट में क्या लिखा है जे इज इक्वल टू जूल्स कांस्टेंट जूल्स कांस्टेंट सर उसके नीचे 4.186 जूल्स पर कैलोरी जूल पर कैलोरी ओके सर आप चाहे तो जूल्स कांस्टेंट को ए भी लिख सकते हो मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट सर सेकंड स्टेप पे क्या लिखा है उसमें किधर है बच्चा वही वही लाइन पे हाँ वही लाइन पे ये वाला ना हाँ सर एच मतलब हीट है एच इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन जे डब्ल्यू को मैंने I square RT लिख दिया upon J. ये आपने जूल्स लॉ में देखा होगा ना इक्वेशन H is equal to I square RT upon J. J का वैल्यू 4.186 जूल पर कैलोरी आता है. And J को कैपिटल J, बोल्ड J है वो, जूल्स कांस्टेंट बोलते हैं उसका हम लोग. Right? Yes, sir. याद है ना स्टेटमेंट, the amount of heat produced, liberated, generated in a resistor is directly proportional to square of the current, resistance of the wire, and time up to which current flows, right? Bacha barabar hai? Hello, sir. Fine. Ho gaya sabka? Yes, sir. Sir, hello. Haan, haan, bolo. So, can you explain why your work done is taken as delta U? Why work done is taken as delta U? Achha, fine. See, when work is done by the cell, initially the energy will be stored in the form of potential energy, right? Achha, you getting me? The energy inside the cell, no doubt it is chemical energy, but it will be stored inside something, so it is potential energy, right? So, to move the charge, cell is providing the energy. So ultimately, when cell provides the energy, don't you think potential energy of the cell will decrease? Right? Yes, sir. And potential energy, it is denoted by letter U. So since it is change, we write it delta U. Okay. Did you get that, bachcha? Yes, sir. Anything else? Everything is clear? But everybody followed all these things? Sir, what is ME means? What is? ME that you wrote another. Mechanical energy, bacha. Me, mechanical energy. He, heat energy. Right? Yes, sir. Because you know, na, mechanical energy is converted into heat energy. And heat energy cannot be, you know, it cannot be written as joules. You have to write it in terms of calorie. Done? Yes, sir. Okay, fine. Next is, you're done with energy and power. Next is about resistors. Right? Now you know that resistor, they are the device which will oppose. Yeah, it will limit the flow of current. Resistors. They are resistor. A device which limits. Yeah, which limits the flow of current in particular path of a circuit, in a particular path of a circuit is called resistor. Right, bachcha?
Yes. तो जो करंट को अपोज करता है या लिमिट करता है राइट, उसको ही हम लोग रेसिस्टर बोलते हैं. अच्छा, रेसिस्टर में दो टाइप, देयर आर टू टाइप्स ऑफ रेसिस्टर. पहला तीन था, अभी तो फिलहाल मार्केट में दो ही है. सो रेसिस्टर्स, फर्स्ट वाला इट्स वायर वुंड रेसिस्टर. अच्छा, आपने रेसिस्टेंस बॉक्स सुना है? रेसिस्टेंस बॉक्स? नो. रियोस्टेट सुना है? नहीं, वो भी नहीं सुना है, रियोस्टेट. अच्छा, रेसिस्टेंस बॉक्स देखो ऐसा रहता है, एक वुडन बॉक्स रहता है, ठीक है, एंड इसको ऊपर बहुत सारा टर्मिनल्स होता है, ऐसा ऐसा कंटिन्यू होगा, एंड उसके ऊपर ऐसा कीस होगा बहुत सारा, बीच बीच गैप में कीस फिट करना, वैसा एंड तक रहेगा. अब ये की के नीचे लिखा रहेगा 1 ओम, ये इनो की के नीचे लिखा होगा 2 ओम, देन 2 ओम, देन 5 ओम, वैसा लिखा हो. सो इट विल गो अराउंड 10,000 ओम तक जाएगा, राइट. अभी लॉजिक क्या है देखो, सपोज सब की प्लग इन है तो करंट इधर से आएगा इधर से जाएगा, मतलब ऐसा जाएगा, नो अपोजिशन, जीरो रेसिस्टेंस, सब कीज प्लग इन है तो करंट ऐसा जाके ऐसा जाएगा. इतना समझ में आया? यस सर. ठीक है, इन केस मैंने सपोज एक की को निकाल दिया तो करंट इधर से इधर पे नहीं जा सकता क्योंकि नो कनेक्शन, बट इन दोनों का बीच में अंदर एक वायर को हम लोग वाइंडिंग कर दिया, ऐसा वुंडेड वायर है. तो लॉजिक क्या है, स्ट्रेट वायर और ऐसा वायर में क्या फर्क है बच्चा? इसका लेंथ कम है, इसका लेंथ ज्यादा है, समझ में आता है ना? Yes. So resistance is directly proportional to length है. So ultimately wire wound resistor पे length, resistance of the resistor is adjusted by means of length, right? Yes, sir. Length से adjust करते हैं, समझ में आ रहा है बच्चा मैं क्या बोल रहा हूँ? Yes, sir. Yes. तो अल्टीमेटली वायर करंट क्या करेगा, अभी ऊपर से नहीं जा सकता है, नीचे से जाएगा, तो नीचे से जाएगा तो उसको रेसिस्टेंस 1 ओम मिलेगा क्योंकि वो वायर का रेसिस्टेंस 1 ओम एडजस्ट किया जाएगा, यू नो किया होगा, राइट? यस सर. यस सर. तो अभी बोलो आप इसको भी निकाला सपोज, इसको भी, तो इसका अंदर इनका बीच में भी एक वायर उन रेसिस्टर होगा जिसका रेसिस्टेंस 2 है, तो करंट नीचे से जाएगा, तो ये लॉजिक है, समझ में आया? फाइन. तो जब हम लोग वायर वुंड रेसिस्टर का बात करते हैं, ऑब्वियसली रेसिस्टेंस बॉक्स मतलब वुडन बॉक्स है, तो कंपेरेटिव टू अदर रेसिस्टर इसका साइज बहुत बड़ा है, सो दे आर बिग इन साइज, तो साइज बड़ा है, तो अल्टीमेटली रेसिस्टेंस का वैल्यू उसके ऊपर प्रिंट किया जाएगा. क्या बोला मैंने? रेसिस्टेंस का जो भी वैल्यू है उसके ऊपर प्रिंट किया जाएगा, राइट? यस यस. एंड जब मैं उसका रेंज का बात करूंगा तो रेंज 1 ओम से 10,000 ओम है, राइट? तो बाकी का कंपैरिजन में इट हैज गॉट स्मॉल रेंज, क्योंकि रेंज 1 ओम से 10^4 ओम तक की है, राइट? एंड इसका कॉस्ट जो है बाकी का रेसिस्टर, आई मीन सेकंड रेसिस्टर को कंपैरिजन किया तो ये कॉस्टली है. Costly does not mean that इसका rate बहुत ज्यादा होगा, right? But इसका rate around you know 200-300 ऐसा rupees होगा. It will not be in you know lakh या crores, right? Yes, is it clear बच्चा? Second जो resistor है बच्चा, ये होता है carbon resistor, जो carbon से बनता है. इसको बहुत सारा नाम से हम लोग बुलाते हैं, एक carbon resistor बोलते हैं, नहीं तो कार्बन कंपोजिट रेसिस्टर बोलते हैं, देन कार्बन कंपोजिट टाइप रेसिस्टर बोलते हैं, बट बेसिकली ये सब सेम ही, मतलब इसमें कुछ फर्क ज्यादा नहीं, राइट? यस. फाइन. तो बच्चे इसका जो साइज है दे आर वेरी स्मॉल इन साइज, साइज एकदम स्मॉल है. सेकंड, रेंज ज्यादा है, लार्ज रेंज है, आप बिलीव भी नहीं कर सकते उतना बड़ा रेंज, 10^-2 ओम से 10^9 ओम तक इसका रेंज है,
एंड जब कॉस्ट का बात करेंगे तो इट इज इनएक्सपेंसिव. सो इनएक्सपेंसिव मतलब चीप है, राइट? तो बताओ बच्चा, इन दोनों में आपको इलेक्ट्रिक सर्किट में यूज करना है किसी एक को, तो किसको यूज करेंगे आप? वायरून रेसिस्टर को यूज करेंगे कि कार्बन रेसिस्टर को यूज करेंगे? कार्बन रेसिस्टर ऑब्वियसली, क्योंकि इंटेंशन स्मॉल साइज है, क्योंकि सर्किट्स आर ऑलवेज कॉम्पैक्ट. सो टू मेक सर्किट्स कॉम्प्लेक्स, यू नो, कॉम्पैक्ट, यू हैव टू यूज एलिमेंट्स विच आर कॉम्प्लेक्स, यू नो. यस और नो? यस. बच्चा उसको कॉम्पैक्ट बनाने के लिए एलिमेंट जो हम लोग यूज कर रहे हैं वो भी कॉम्पैक्ट हुआ तो ए कॉम्पैक्ट बनेगा ना. तो साइज स्मॉल है इसके लिए यूज करते हैं हम लोग. और साइज स्मॉल का साथ साथ रेंज ज्यादा है, वो हमारा एडवांटेज है. इनएक्सपेंसिव है, ये भी एडवांटेज है, राइट? सो हम लोग इसको सर्किट में यूज करते हैं. बट प्रॉब्लम क्या है, साइज का वजह से हम लोग सर्किट में यूज करते हैं, राइट? अभी साइज ही हम लोग को तकलीफ देगा, क्योंकि इसका वैल्यू कैसे दे हम लोग? क्योंकि साइज छोटा है तो हम लोग उसका वैल्यू प्रिंट नहीं कर सकते उसके ऊपर, जैसे इधर प्रिंट करता हम लोग. सो दे आर बिग इन साइज, सो रेसिस्टेंस का वैल्यू प्रिंट करते थे. स्मॉल इन साइज, स्मॉल मतलब एकदम स्मॉल है, वायर से थोड़ा, आप वायर तो देखा है ना, वायर से थोड़ा है ना डायमीटर ज्यादा रहेगा, बट वेरी यू नो सेम एज वायर, ओनली लिटिल मोर देन वायर. तो आप विजुलाइज कर सकते हो कि कितना छोटा होगा, राइट? यस सर. यस. तो ये जो रेसिस्टर का साइज छोटा है तो अल्टीमेटली आप उसका रेसिस्टेंस का वैल्यू को प्रिंट नहीं कर सकते, बराबर है बच्चा? यस सर. तो इसके लिए उन्होंने क्या किया बच्चा, मतलब साइंटिस्ट मिलके नहीं, जो कंपनी यू नो रेसिस्टर को प्रोड्यूस करते हैं, उन्होंने सबने मिला, एक मीटिंग लिया. Then they decided to have a common system. मतलब हर एक कंट्री में यही सिस्टम फॉलो होना चाहिए, राइट? और वो सिस्टम को उन्होंने नाम बोला कि कलर कोड. एंड कलर कोड एक ऐसा सिस्टम है जो रेसिस्टर का रेसिस्टेंस का वैल्यू देता है. यू गेटिंग मी? यस सर. यस सर. जस्ट लेट मी शो यू द कार्बन रेसिस्टर. So obviously आपने देखा ही होगा बच्चा, दिख रहा है ये वाला रेसिस्टर्स? यस सर. यस सर. यस. आप किलोना विलोना सब लेके देखे हैं ना, तो यही आपको दिखता होगा शायद रेसिस्टर्स, राइट? यही कार्बन रेसिस्टर, आप देख सकते हैं इसका साइज क्या है, राइट? हाँ सर. यस सर. डिफरेंट डिफरेंट कलर्स पे आता है देखो. इस इज इट ओके? Yes, sir. Yes, sir. चलो ये दिखाया तो आई कैन शो यू रेसिस्टेंस बॉक्स ऑल्सो जस्ट अ सेकेंड. सो आपने देखा नहीं है. देखो बच्चा ऐसा रहे. परफेक्ट. मैंने जैसा बोला दिख रहा है? Yes, sir. देखो उसके ऊपर ब्लैक कलर का कीस है. देखो देखो दो सर थोड़ा ब्लर दिख रहा है. ब्लर है तो को एनलार्ज करता हूं. ठीक है अभी? यस सर, अभी दिख रहा है. राइट. देन देखो ये तो बराबर पिक्चर है सामने से, उसको ऊपर से लिया. किस दिख रहा है ना आपको? यस सर. यस सर. देखो उसमें देखो वैल्यूज भी लिखा है. देखो 1 ओम 2 ओम जो भी है वैल्यूज. अच्छा दिख रहा है ना वैल्यूज? यस सर. यस. हाँ बच्चा देखो दोनों में कितना साइज का फर्क है. देखो थोड़े दिन बहुत ज्यादा फर्क है बच्चा. यस सर. Then, जो रियोस्टेट का बात कर रहा था बच्चा ये, दिस इज रियोस्टेट. देखो उसमें भी कॉइल है देखो, राइट?
यस सर। ओके बच्चा, तो ये रियोस्टेट है एंड ये दोनों रियोस्टेट और रेसिस्टेंस बॉक्स, ये आता है वायर उंड रेसिस्टर पे एंड कार्बन रेसिस्टर ऑब्वियसली दे आर वेरी स्मॉल। सो सिंस द साइज ऑफ कार्बन रेसिस्टर आर वेरी स्मॉल, सो द वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस इज गिवन बाय ए सिस्टम कॉल्ड कलर कोड। एंड ये जो कलर कोड को बच्चा हर एक कंट्री में माना जाता है, इसके लिए इसको हम लोग यूनिवर्सल कलर कोड भी बोलते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि इधर का जो रेसिस्टर का जो कलर कोडिंग सिस्टम है राइट इंडिया का, वो यूके में अलग होगा, यूएसए में अलग होगा, ऐसा नहीं। सब जगह सेम है, आइडेंटिकल है। नहीं तो क्या होगा, हम लोग यूके में जाएंगे कुछ बिना खरीद के आ जाएंगे, क्योंकि उधर का मटेरियल इधर नहीं मिलता रहेगा तो, बराबर है ना, और इधर का उधर नहीं मिलता रहेगा तो वो लोग आके इधर कुछ नहीं खरीदेंगे। इलेक्ट्रिक का बात करना, बराबर है? यस सर। यस सर। फाइन बच्चा, कंप्लीट करो इसको, देन हम लोग कार्बन रेसिस्टर का जो कलर कोडिंग सिस्टम है उसके बारे में बात करें। So it will not take much time. देखो, so जब कार्बन रेसिस्टर का जब हम लोग डिजाइन देखेंगे तो उसका जो शेप है ऑलमोस्ट सिलिंड्रिकल रहे, सो ऑलमोस्ट सिलिंड्रिकल है। एंड इसमें कनेक्टिंग वायर्स होगा जैसा आपने देखा, बराबर है? यस सर। यस।
for the correction. Abhi the answer is they are cylindrical in shape, number one. Second, it is going to have, matlab body ka ek color hoga, right? Jaisa dekho, thoda blue tha ek mein, aur ek mein thoda brownish tha, right? Wo body ka color. Abhi isko upar bachcha, there will be four color bands, right? आप उसको कलर रिंग बोल सकते हो, बैंड बोल सकते हो, स्ट्रिप बोल सकते हो, इट इज अप टू यू. तो इसमें चार कलर रिंग होगा, चार में से तीन क्लोज रहेगा और चौथा वाला थोड़ा दूर रहेगा, राइट? अभी तीन क्लोज इसके लिए है क्योंकि ये तीनों रेसिस्टेंस का एग्जैक्ट वैल्यू देता है, एंड फोर्थ वाला दूर इसके लिए है क्योंकि रेसिस्टर का वैल्यू टेम्परेचर का साथ चेंज होता है, वो कितना चेंज हो सकता है वो फोर्थ रिंग देता है, इसके लिए दूर है. समझ में आया? सो फर्स्ट रिंग का बच्चा कुछ कलर होगा, मतलब हो सकता है ब्लैक है, रेड है, कुछ तो कलर होगा, और हर एक कलर के कोड होता है, राइट? तो ये जो फर्स्ट रिंग का जो कोड है वो फर्स्ट डिजिट ऑफ रेसिस्टेंस देगा, फर्स्ट डिजिट ऑफ रेसिस्टेंस देगा. बच्चा समझ में आ रहा है? बच्चा समझ में आ रहा है? Yes, sir. वैसे ही सेकेंड कलर का भी कुछ कोड होगा, कोड का कुछ कलर होगा, सॉरी कुछ कलर होगा और कलर का कुछ कोड होगा, और वो जो कोड है वो सेकेंड डिजिट ऑफ रेसिस्टेंस देगा. मतलब फॉर एग्जाम्पल ये डिजिट को मैंने ए माना और ए डिजिट को मैंने सी मान ली, राइट? एंड ये जो थर्ड वाला, राइट, ये थर्ड डिजिट नहीं देता है, ये क्या देता बच्चा? इसका कुछ कलर है और कलर का कुछ कोड है, और वो कोड को आपको 10^10 में लेना है, राइट? 10^10 में लेना है जो भी वैल्यू होगा, राइट? और इसको दोनों को मल्टीप्लाई करना है, इसके लिए इसको हम लोग डेसिमल मल्टीप्लायर बोलते हैं, मल्टीप्लायर मतलब इन शॉर्ट DM बोलते हैं. मतलब फॉर एग्जाम्पल उसका कोड सी है तो आपको 10^C लेना, समझ में आया? और इन दोनों को मल्टीप्लाई करना. आई होप यू गेटिंग. यस सर. देन ये फोर्थ वाला रिंग ऑब्वियसली आपको पता है, इट गिव्स चेंज, तो इसको हम लोग टॉलरेंस बोलते हैं, टॉलरेंस, राइट? तो यूजुअली ये प्लस और माइनस टी परसेंटेज से लिखा रहता है, मतलब 5% 10%, मतलब टेम्परेचर का वजह से 5% बढ़ सकता है, 5% कम हो सकता है, राइट? यस सर. अभी रेसिस्टेंस का जो वैल्यू है, ऑब्वियसली फर्स्ट डिजिट ए है, सेकंड डिजिट बी है, डेसिमल मल्टीप्लायर मल्टीप्लाइड बाय दिस है 10^C प्लस और माइनस टी परसेंटेज, ये उसका फॉर्मूला हो रेसिस्टेंस का. समझ में आया? यस सर. फाइन, बच्चे कंप्लीट करो, देन वी विल स्टॉप.